देखो देखो अभी तक हम लोगों ने डिफेक्ट ग्रुप ये हमने देखा था देखो वायर्स देख रहे थे वायर्स को कैसे दिख रहे थे देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में सब क्या क्या किया देखो जल्दी से हम रिवाइज करें कि ना करें देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा था पहली बात तो पैरामीटर से देखे थे ना साइड क्या होता है सरफेस क्या होता है कौन किसको करता है लैटिस पॉइंट क्या होता था एटम्स को हटा के डॉट लगाया करते थे लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता था कि कोई एक बेसिक यूनिट सर पकड़ते थे जिसमें जो लैटिस पॉइंट लगे होते थे उसी को हम लोग लैटिस स्ट्रक्चर बोलते थे फिर लैटिस स्ट्रक्चर ही हमारा अगर 3D में अरेंज होता तो उसी को हम लोग अलग फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास प्राइम सॉलिड्स हमारे पास हुआ करते थे और कुछ लिक्विड हुआ करते थे इसमें हम लोगों ने कहा कि हम लोग पढ़ने सॉलिड्स में क्या हुआ करता था कि आयन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होता रहता है आयन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या हुआ करती थी वो होती थी कि जब हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाए तो भी हम लोग बोला करते थे कि आयन आइसोट्रॉपिक होती थी फिजिकल प्रॉपर्टी थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता था आयन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज को पढ़ा था फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ एक और एक हमने निकाला फिर इसमें हम लोगों ने देखा था इनके सिक्स पॉइंट्स क्या होता था इनके बारे में क्या होता था ए और आर के बीच नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे डीएनए का बॉन्ड निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था टेस्ट निकाले थे और पैकिंग ऐसी करते करते हमारे पास सब चीज बातें और जब ये बातें हो गई तो फिर यही कल हम लोगों ने देखा था एक से दौरा मैंने पढ़ा था हम ये पढ़ रहे थे क्या होता था सबके देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीख अलग से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर सबके बताए कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर को दिखाए थे 3D में बना बना के वो हम लोगों ने दिखाया तो एक कोऑर्डिनेशन का पूरा सेट हम लोगों ने देखा फिर इसके बाद हम लोगों ने जो देखा वो अगला सेट हमारा क्या होता था यहाँ पर हमारे पास कि जितने भी हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर मिले थे तो लैटिस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पर कितने तरीके के वाइड्स मिला करते तो रेडियस रेशियो एक हमने चेक किया था क्यों रेडियस रेशियो हमारे पास कुछ आया था रेडियस रेशियो क्या हुआ करता था कि वहां पर कौन सा क्यूबिक होगा कौन सा ट्रायंगल का रेडियस जल्दी बताओ रेडियस रेशियो बोलो कहाँ से शुरू होता था 0.15 और फिर दूसरा कौन सा होता था 0.25 हमारे पास क्या होता था ट्रायंगुलर वायर और जिसका कोऑर्डिनेशन हमने पता किया था इसका लैटिस स्ट्रक्चर देखा था कैसे कैसे क्या हुआ था फिर ये वाले सेट में आए थे इस वाले में हमारे पास क्या होता था टेट्राहेड्रल वाइड मिला करते और जब टेट्राहेड्रल वाइड मिला करते तो इसमें हम देखते थे चार लोगों से मिलकर बना हुआ था और टेट्राहेड्रल को अलग से बनाए थे और फिर इसके बाद हम लोगों ने अगला लिया था ये कौन सा होता था ये ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को हमने अलग से बना के देखा था और फिर सीपीपी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल बना के अब जल्दी से बताओ टेट्राहेड्रल की लोकेशन कहाँ कहाँ मिलती है टेट्राहेड्रल की लोकेशन कहाँ कहाँ मिलती है टेट्राहेड्रल की लोकेशन कहाँ कहाँ होगी
बॉडी डायगोनल में दो मिला कर है ना, इस तरह से टोटल टेट्राहेड्रल, टेट्रा को याद रख लो, टेट्रा से डबल हो जाता है, तो वो ऑक्टा है, ऑक्टा का मतलब आधा हो जाता है। तो टेट्रा टेट्राहेड्रल कहां मिला करेंगे, बॉडी डायगोनल में, एक बॉडी डायगोनल में दो मिला करेंगे, उनकी डिस्टेंस क्या होगी, 2 2 a 2 कहां, कौन सी लोकेशन, a कॉर्नर से कितनी दूरी पर हो, a √3 / 2 a √3 / 2 की सेंटर आ जाएगा, और एक देखो ये नीचे वाला है, चार यहाँ पर मिल गए, बॉडी डायगोनल चार इधर है और चार उधर ही है, ये चार लोग हैं, तो चार में नियरेस्ट कौन सा होगा, ये वाला नियरेस्ट होगा, ये वाला नियरेस्ट होगा, ये वाला नियरेस्ट, ये वाला ये नियरेस्ट हो, नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे करीब कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, इसकी डिस्टेंस क्या है, ये तो मोटे तौर से दिख रहा है कि इसकी डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगी, तो डिस्टेंस यही पास दिख रहा है, ये वाला और एक ये वाला दिख रहा है। अब तुमसे पूछा जाता है तो टेट्राहेड्रल नियरेस्ट कहाँ हो, कितने डिस्टेंस पर हो, कोई बताओ, बहुत अच्छी जरा सा थ्योरी बनना है, और जो कहाँ पढ़ाया गया है, जो थ्योरी तुम्हें पढ़ाई गई है 6th-7th क्लास, कह रहा है तो ये तो पता है बॉडी डायगोनल में, देखो बॉडी डायगोनल आया है और बॉडी डायगोनल का आधा कहाँ जा रहा है, ये बॉडी सेंटर पे जाके मिलता है, हाँ मिला, और देखो ये बॉडी सेंटर मतलब ये कितना है, ये आधी है, आधी का मतलब √3/2, तो जो डाई वो जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो कहाँ होगा, कि दोनों के आगे पर हो, यानी कहाँ पर होगा, √3/4 ये यहाँ बीच में कहीं, हाँ अच्छा देखो तुम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, ये देखो क्या होता था, अगर ये ले रहे हो, ये देखो अगर ऐसा कोई हो, ये देखो दो लोग हो, तो दो लोग हो, अब इसका अगर इसका मिड पॉइंट लेते हो और इसका अगर मिड पॉइंट लेते हो, तो इनको अगर मिला दिया जाता है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती है, तो ये आधी हो गई, तो मतलब कितनी हो गई, a by 2 हो गई, ये भी आधी हो गई, कितनी हो गई, a by 2, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी अगर a है तो ये कितनी हो जाएगी, ये है a तो ये कितने देगी, a by 2, अब जब देखो तो पतंग बाजी करते हो, ये देखो कॉर्नर को मिला है, फिर एक डोरी बांध दी, और देखो एक डोरी ये बांध दी, मतलब ऐसे ऐसे बांध के चल रहे हो, चले ये देखो डोरी बांध के हम आए, और देखो यहाँ आके ये मीट कर रहा है, देखो ये जा रही है और ये जा रही है, इनके मिड पॉइंट पर है ना टेट्राहेड्रल, कितनी डिस्टेंस पर है, a by 2, वो कहाँ है, a पर है, और ये देखो कहाँ आ गया, a by 2, तो हो गया, yes proof, समझ गए, ये देखो इस तरह की प्रॉब्लम पूछी गई थी, तो दो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल, तो ये डिस्टेंस कितनी है टेट्राहेड्रल की, दोनों की बताओ कितनी दूरी पर है, a by 2 ये हो गई, तो अब ये वाली कितनी हो गई, ये भी तो वही है, a by 2 ये भी हो गई, और ये वाली भी a by 2 हो गई, तो ये वाली कितनी हो, a by 2 ये कितनी हो गई, a by 2 अरे
ज्यादा मिलेगी नहीं उससे ए बाई टू से बाई टू तो ज्यादा रहे तो पूछे बताओ ये क्या थी नियरेस्ट टेट्राहेड्रल के नियरेस्ट टेट्राहेड्रल कितने हैं एक ये दो मिले और देखो ये वाला टेट्राहेड्रल एक बॉडी डायगोनल का ये है और दूसरा बॉडी डायगोनल का वो है इन दोनों के बीच कितने डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितने डिस्टेंस जब कोई बॉडी डायगोनल में एक यहाँ है और ये इसका सेंटर है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है इसकी डिस्टेंस कितनी है चलो रहने दो वो रख लेना बता देंगे हम ये देखो जैसे पहला देखते हैं जैसे हमने लिया कौन सा लिया लिथियम क्लोराइड होता है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है प्लेनर ट्रायंगुलर राइड देखो पार्टिकल रेशियो क्या होता था यहाँ पर पार्टिकल के रेशियो कितने होते थे कितने पार्टिकल आते थे 0.15 दूसरा क्या रहता है ना दूसरा कौन सा था जिंक सल्फाइड और जिंक सल्फाइड में जब जाता था तो कैसे जाता था ये टेट्राहेड्रल वायर में सल्फाइड कहां की लोकेशन रहा करती थी सल्फाइड इसको छोटे में भी बनाया था और बड़े में भी बनाया था तो सल्फाइड की लोकेशन कहां मिला करती थी सल्फाइड का साइज बड़ा था इसका छोटा था तो सल्फाइड कहां पाया जाता था सीसीपी लैटिस पर और जब सीसीपी पर मिलता था तो इसके कितने हो जाएंगे CCP पर मिलता था CCP का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं CCP CCP मतलब FCC और FCC में कितने होते हैं 4 होते हैं तो इसका मतलब क्या है 4 जिंक के हैं और सल्फाइड के कितने होंगे कहां कहा था ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल या अल्टरनेट टेट्राहेड्रल में पाया जाता है 50% पाया जाता है तो कितने थे टेट्राहेड्रल भाई 8 थे 8 का आधा कितना हो जाएगा 4 तो ये भी कितने होंगे 4 होंगे 4 सल्फाइड तो यानी यहाँ पर क्या रेशियो है 4:4 का तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है 4:4 होगा ये देखो तीसरा हम लोगों ने देखा था ये देखो जिंक सल्फाइड बोले तो इसी को हम लोग क्या बोला करते हैं जिंक ब्लेंड टाइप एक बार बोलेंगे अब रिपीट नहीं करेंगे आवाज अगर आएगी तो बार बार नहीं करेंगे देखो थर्ड वाला क्या होता है ये जिंक ब्लेंड टाइप का हो तो जिंक ब्लेंड वाली ये लोकेशन सबको आ गई अब जरा नोट नोट के बताओ कह रहा है डायमंड जो पाया जाता है वो किस तरह का होता है लिखो डायमंड लिखो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर होता है डायमंड हैविंग जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर नोट करके लिखो डायमंड हैविंग जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर डायमंड हैविंग जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर डायमंड जब जिंक ब्लेंड में है तो जिंक ब्लेंड में कैसा था कहां कहां मिल रहे थे कहां कहां मिल रहे थे सल्फाइड कहाँ थे एफसीसी में थे और जिंक कहाँ मिल रहे थे टेट्राहेड्रल वाइड में और वो भी 50% मिल रहे थे तो कह रहा है अच्छा बताओ डायमंड वाले स्ट्रक्चर में
एक लैटिस पर बताओ कितने नंबर ऑफ कार्बन। कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन लैटिस। वन लैटिस स्ट्रक्चर में बताओ, एक लैटिस स्ट्रक्चर में कितने होंगे, कितने होंगे। यहां सल्फाइड कहां था, सल्फाइड कहां था, टेट्राहेड्रल सल्फाइड कहां था, सीसीपी लैटिस पर मिल रहा। सीसीपी लैटिस का मतलब क्या है, कॉर्नर, कॉर्नर और सरफेस के सेंटर पर मिल रहा है। सीसीपी लैटिस मतलब एफसीसी, एफसीसी मतलब कॉर्नर और सरफेस के सेंटर। तो कॉर्नर पर कितने एटम होते थे, एटम कितने होते थे, वन होते थे। और जब हम बोल रहे हैं डायमंड, तो डायमंड का मतलब क्या है, यहाँ तो जिंक सल्फाइड बोला, तो एक जिंक है एक सल्फाइड है, लेकिन जब डायमंड बोलेंगे तो हर जगह कार्बन ही आया जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह की लोकेशन किसकी होगी, कार्बन की होगी। तो कॉर्नर पर आए कार्बन, कॉर्नर पर आ गए कार्बन, कितने हो गए, 1/8 इनटू 8। पहले सरफेस के सेंटर पर आ गए तो कितने हो गए, 6 सरफेस थे 1/2। और कह रहा है और कहां मिलेगा, कह रहा था वहां पर मिल रहा था जिंक, कहां, टेट्राहेड्रलॉइड में मिल रहा था। और कितना मिल रहा था, 50%। वो होते कितने थे, 8, 8 का आधा कितना हो जाए, हो गया। तो कितने नंबर ऑफ एटम थे, ये देखो हजार बार पूछा गया, डायमंड में बताओ वन लैटिस हैविंग हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा कि कहां से आया, जिंक ब्लेंड टाइप का याद रखना है हमें, उसी से हम बता देंगे कि हाँ इस टाइप का, ये नोट करके लिख लो, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर देखो तीसरा, तीसरा देखो NaCl टाइप स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला करते हैं, रॉक साल्ट टाइप, रॉक साल्ट। रॉक साल्ट टाइप में क्या होता था, यहां पर कैसा मिलता था, ऑक्टाहेड्रलॉइड ना। तो ऑक्टाहेड्रलॉइड होगा तो आप जरा इसमें बता करो कहां कहां मिला करते थे। NaCl कहां था, सीसीपी लैटिस पर था। एनए कहा था, एनए और सीएल, सीएल कहां मिलता था, सीएल का साइज बड़ा था, और जब साइज बड़ा था सीएल का तो वो कहां जाता था, लैटिस पॉइंट पर जाता था। और लैटिस पॉइंट सीसीपी के कितने थे, सीसीपी के लैटिस पॉइंट कितने थे, सीसीपी के लैटिस पॉइंट कितने थे, 14। तो 14 पॉइंट्स पर कौन जाएगा, सीएल जाएगा। और उसके एटम्स कितने बन गए, चार बन गए। ये देखो 4Cl हो गए, और ऑक्टाहेड्रल में जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल के पॉइंट्स कितने मिलते थे, कौन बोल रहा है, चार। कौन बोला, वो मालूम है उसने बोला, लेकिन हम फिर भी पूछे कितने बोला, ऑक्टाहेड्रल जल्दी बताओ, ऑक्टाहेड्रल की कितने पॉइंट्स मिले, कहां कहां मिल रहा है, और कहां मिलता था, और डायगोनल के से पॉइंट्स को नहीं हो गए, तेरा आ गया। और 13 में कितने आ गए, एटम्स कितने से हो गए, दो
कितनी है बारह, कितने हो गए और कहाँ पाया गया सेंटर पर कितना है एक सेंटर में कितने आ गए चार, कितने पॉइंट्स मिले पॉइंट्स कितने थे 13 पॉइंट। तो अब ये बताओ तो एने कहाँ बैठा हुआ है, एने कहाँ बैठा हुआ है, एने आपका हेडल में बैठा हुआ। जब एने आपका हेडल में है तो बताओ इसकी क्या होगी, कितने हो गए एने, एने की कितने आइटम होंगे जो बड़ा बड़ा नहीं होगा उसके दिमाग में, उसको 8-10 ऐसी 12 दिखेगी 15 दिखाएगी। यहाँ देखो अब जल्दी से बताओ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होता था, यहाँ देखो एटम के 4-4 रेशियो मिलते थे, कोऑर्डिनेशन कितना नंबर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, एक एने को कितने लोग घेरे रहते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6-6-6 हो जाएगा। अब जल्दी से ये बताओ जब जिंक वाले में आ रहे थे तो जिंक का स्ट्रक्चर बनाया था है ना, जिंक का जब हमने स्ट्रक्चर बनाया था तो जिंक के स्ट्रक्चर में जरा ये बताओ जिंक कहाँ बैठा था और सल्फाइड कहाँ, जिंक कहाँ बैठा था, जिंक बैठा था टेट्राहेड्रल में, और जिंक बैठा था कॉर्नर पर, वो सीसी पे कर आया था, आया था सल्फर और जिंक, किसी को टेट्राहेड्रल में बैठा है वहां बैठा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये बताओ, रेडियस ऑफ जेगन और प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड कितनी है, ये देखो अब NaCl में रेडियस बताओ आर एन ए प्लस आर सी एल कितना होता था, बता दो ये देखो ये हो गया। चौथा देखो चौथा क्या होता था, फिर देखो फिर आता था सीजियम क्लोराइड, ये कैसा होता था बीसीसी टाइप का होता, और यहाँ पर कैसा होता था क्यूबिक वायर। अब क्यूबिक में जरा सोचो सीजियम के कितने रहते थे, कितने एटम थे सीजियम, बॉडी सेंटर में बैठा था तो कितने बैठे थे, वन ही था, वन इसका हो गया, क्लोराइड कितने हो गए, एट हो गए, तो मतलब कितने एटम हो गए, फिर दो कौन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8-8 यहाँ पर बताओ इसका रेडियस रेशियो बताओ कितना होता था, ये बात ये कौन से थे, ये सब किसके लिए हो रहे थे, AB टाइप ये AB टाइप सॉल्ट का मतलब A का A वन एटम है और B का भी वन एटम, ये सभी AB टाइप के। अब इनके नाम याद रखेंगे, ZNS का मतलब जिंक ब्लेंड टाइप का, तो हम कहेंगे ऐसे पूछा करेगा बोलो कहेगा कोई AB है और वो कैसा है जिंक ब्लेंड टाइप का है, तो हम समझ गए सल्फाइड कहाँ है CCP पर है और जिंक कहाँ है उसका एनायन कहाँ होगा टेट्राहेड्रल व्हाइट की 50% में बैठा,
ये तुरंत आ जाएगा। जैसी बोलेंगे कोई ए बी टाइप का है वो कैसा है, रॉक साल्ट टाइप का है, तो हम समझ गए अच्छा एनएसीएल टाइप का, और एनएसीएल टाइप का है तो इसका मतलब सीएल कहाँ बैठा हुआ है, सीसीपी पर बैठा है, और एनी कहाँ बैठा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल वाइड में बैठा। तो ये बोला जाता है ये ए बी टाइप सॉल्ट हो गया। रेडियस क्या होगी, इनकी रेडियस क्या है, कैसी आई है, ये सब यही अभी आगे चल के काम करेंगे, हो गया। फिर देखो ये लिख लिया ना सब, अब आते हैं अगले टाइप में। अब देखो एक बोला जाता है अब देखो जरा एक होता है ए बी टू टाइप और ए टू बी टाइप। तो एक हमारे पास आता है, देखो पहला देखते हैं ए बी टू टाइप होगा, ये किसका होता है, सी एफ टू टाइप का होता है, और सी एफ टू टाइप है तो जैसे ही बोले सी एफ टू तुरंत समझ जाओ ये क्या बोला करते हैं, फ्लोराइड स्पेक्ट्रम, फ्लोराइड स्पेक्ट्रम। जैसे बोलेंगे कैल्शियम फ्लोराइड है तो हम समझ जाएंगे ये कैसा है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे बोले कोई भी है, कोई भी इन जनरल हो, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसके दो सेट होंगे, एक कौन सा होगा, एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो कैटायन इसमें कहां बैठा होता है, तो कैटायन कहां जाएगा ये बताओ, कैटायन कितना, अब भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देखो इसके टुकड़े करो, सी ए प्लस टू और एफ माइनस वन यही होता है, और ए को अगर बैलेंस करते तो पहले न्यूट्रल करो, इसको पर प्लस टू है तो इस पर माइनस टू होना चाहिए, तो इतना होता। अब यहाँ पर देखो अगर कैल्शियम को तुम कहाँ देते हो, सीसीपी पर देते हो ना, कैटायन कहाँ पाए जाते हैं, ये सीसीपी लैटिस पॉइंट पर होता, देखो इस वाले में क्या होता है, कैटायन कहाँ पाए जाते हैं, सीसीपी लैटिस पर मिलते हैं, सीसीपी लैटिस पर मिलते हैं कैटायन, कैटायन मींस पॉजिटिव वाला। और एनायन कहाँ पाया जाता है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, लैटिस पॉइंट पर फोर हो गए, और ये अगर फोर होंगे कैटायन तो एनायन कितने होने चाहिए, आठ। अब आठ किसमें मिलता है, कौन सा ऐसा वाइड है जिसमें एट मिलता है, तो एनायन कहां हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वाइड में। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर कभी भी होगा इन जनरल तो तुम्हें हमेशा याद रखना है, कहेगा फ्लोराइड स्ट्रक्चर है तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब क्या है, कैटायन कहां चले जाएंगे, सीसीपी पर चले, और एनायन कहां चले जाएंगे, वो सभी टेट्राहेड्रल में चले। तो अब देखो तो यहां पर इसके लिए क्या है, यहां पर लिखोगे सी ए प्लस टू प्लस टू आयन एट आल आल सी सी पी लैटिस, एंड फ्लोराइड आयन एट आल टेट्राहेड्रल। अब देखो ये हो गया, तो अब जरा बनाओ
अब देखो इसमें अगर देखो कैल्शियम के हो गए तो कैल्शियम कितने हुए, कैल्शियम के आयन कितने हुए, फोर हो गए, तो फ्लोराइड कितने हो जाएंगे, एट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो पार्टिकल का नेचर क्या हो जाएगा, फोर इज टू एट, ये क्या है पार्टिकल रेशियो। तो क्या बोला करेंगे, दिस वन इज नोन एज पार्टिकल रेशियो। पूरे एक है तो वन इज टू हो जाएगा। अब ये देखो, अब देखो कोऑर्डिनेशन रेशियो, अभी उनके बाद पहले तुम पहले खुद समझो फिर बाद में समझाना, लोग समझने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, जब हमें बता रहे सब समझ में आ रहा है कि ये बात क्यों कर रहे हैं। देखो कोऑर्डिनेशन रेशियो, कोऑर्डिनेशन रेशियो में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। जो कोऑर्डिनेशन कहेंगे फ्लोराइड का कितना है और कैल्शियम का कितना, तो एक कैल्शियम को कितने लेंगे, तो कोऑर्डिनेशन रेशियो अगर देखोगे तो उल्टा हो जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन देखो कितना हो जाएगा, देखो कैल्शियम का कितना, फ्लोराइड का कितना है फोर और कैल्शियम का कितना हो जाएगा, ये दोनों का जस्ट अपोजिट हो जाए, पार्टिकल जैसा था उसका उल्टा मिल जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, है ना, एरो से बना दोगे तो यहाँ से मिल जाएगा। ये क्या हो जाता है वन इज टू टू, ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन रेशियो, ये कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है, ये पार्टिकल रेशियो होता है। पार्टिकल रेशियो कितना होगा वन इज टू टू, कैसे जाने कैल्शियम के कितने फोर, तो फ्लोराइड कितने आ जाएंगे एट, तो कितना हो जाएगा वन इज टू टू। तो अब यहाँ देखो कह रहा है एक कैल्शियम को कितने एट फ्लोराइड घेरेंगे, टच कर रहे होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और फ्लोराइड को फोर लोग करेंगे तो इसी का उल्टा यहाँ बन जाता है। हाँ तो ये देखो ये लोग लिखे होंगे वही बात लिखे होंगे, ये नहीं देखा होगा क्या है, ये देखो यहाँ पर पा लिखा है, ये लोग पा भी लिख दिए, अब जल्दी से यहाँ पर ये बताओ जरा, ये बताओ कितना होगा, बोलो काम नहीं कर रहा है, इतना बताने के बाद भी अगर जल्दी बताओ कौन कराएगा, बताओ ठीक है, बताओ ना जो कहाँ टच कर रहे हैं कॉर्नर वाला और कहाँ कहाँ कितनी दूरी पर टच कर रहा है, पहले वो देखो अभी उसकी डिस्टेंस कितनी निकाल के लाए, कहाँ टच करते हैं टेट्राहेड्रल और कॉर्नर, कितनी डिस्टेंस पर टच कर रहा है, तो ये देखो बोला जाता है ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो जैसे ही बोल दे फ्लोराइड स्ट्रक्चर तो हमारे तुरंत दिमाग में आ गया। अब देखो
देखो इसी को अभी अभी घंटे भर पूरा वही डिस्कस कर रहे हैं, और जिसके दिमाग में काम किया तो तुरंत बता देगा, और जिसका दिमाग नहीं चल रहा होगा किसी और दिमाग में बातों में लगा। अब देखो इसी का उल्टा हो जाता है, दूसरा हो जाता है एंटी फ्लोराइड, एक बोला जाता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये ए टू बी टाइप के होते, जैसे Na2O टाइप का, ये जो Na2O टाइप का आएगा तो ये कैसा बनता है एंटी फ्लोराइड। तो जब एंटी फ्लोराइड बोल दिया तो फ्लोराइड में क्या था उसको उल्टा करो तो बताओ, फ्लोराइड में अगर ये चल रहा था कैटायन कहां जा रहा था, तो अब यहां पर बताओ यहां पर एक Na प्लस है और एक O माइनस, तो कौन कहां जाएगा Na प्लस कहां जाएगा, ये कहां चला जाएगा। अब जब ये चला गया और बताओ, तो अब इनके रेशियो बताओ जरा, इसमें बताओ सोडियम कितने हों, जब टेट्राहेड्रल में रखे तो सोडियम कितने कौन कितने एटम हो गए, यहाँ पर ऑक्साइड है तो अगर ये फोर लेते हो तो कितने होने चाहिए, ये क्या है पार्टिकल रेशियो, क्या हो गया पार्टिकल रेशियो। अब देखो इसी को रिवर्स कर दो क्या हो जाएगा, Na और ऑक्साइड, तो Na क्या हो जाएगा, Na का 4 हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा ये कब हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन रिएक्शन, ये क्या है कोऑर्डिनेशन रिएक्शन। अब जल्दी से इसका बताओ, R Na प्लस R O माइनस इसका कितना हो, R Na प्लस R O माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारे हो गए। देखो हमने ए बी टाइप साल्ट देखा है, ए टू बी, और अब ये तुम्हें तुरंत पता होना चाहिए जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर कौन होता है, तो तुरंत याद आ जाए जिंक सल्फाइड होता है ना, जिंक सल्फाइड और डायमंड ये दोनों कैसे होते हैं, जिंक ब्लेंड टाइप के है, जिंक सल्फाइड वाले को ही जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर बोला है। जैसे बोले हम रॉक साल्ट टाइप का है हम तुरंत समझ गए NaCl टाइप है, NaCl, जैसे हमने फ्लोराइड बोला स्ट्रक्चर हम तुरंत समझ गए फ्लोराइड वाला स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फ्लोराइड में क्या होता था वो Ag2 टाइप का होता, यानी CaF2 टाइप आता था, और CaF2 आता था तो इस पे कैटायन कहां जाता था, कैटायन जाता था CCP पर, और वो कहां जाते थे एंटी फ्लोराइड बोले तो उसी का उल्टा, यानी ए टू बी टाइप का, सबकी कोऑर्डिनेशन रेशियो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो, कह रहे ए बी टाइप का कोई भी सॉल्ट लेते तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेंगे, चाहे कैटायन को देखो चाहे नाइन